एक जंगल में रहती थी एक शेरनी। उसके दो बेटे थे, सोनू और मोनू। शेरनी अपने बेटों से बड़ा प्रेम करती थी। एक बार शेरनी अपने बेटों से कहती है, सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से घर पर ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाना। फिर शेरनी भोजन की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ शिकारी घेर लेते हैं और उसे मार कर पिंजरे में डाल देते हैं। दूर खड़ी शेरनी की दोस्त यह सब देख रही होती है। अरे, इन शिकारियों ने तो मेरी दोस्त को मार डाला, अब इसके बच्चों का क्या होगा? तब गाय शेरनी के बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, सोनू बेटा, मोनू बेटा, एक बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना। कैसी खबर है, बताओ हमें। बेटा, खबर ये है कि तुम्हारी माँ को कुछ शिकारियों ने मार डाला, उसे अपने साथ ले गए वो। यह तुम क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगी। कुछ दिनों तक सोनू मोनू बहुत उदास रहते थे। तब गाय उनका मन लगाने के लिए उन्हें जंगल में घुमाने के लिए ले जाती हैं। वो दोनों जंगल में घूमकर बहुत खुश हो जाते हैं और हंस खेलकर शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत गए थे। अब सोनू और मोनू तो बड़े हो गए थे, लेकिन बेचारी गाय अब बूढ़ी हो चली थी। सोनू और मोनू गाय को ही अब अपनी माँ मानने लगे थे और अब सोनू मोनू ही गाय के लिए भोजन लेकर आते थे। एक बार गाय अपने दोनों बेटों सोनू और मोनू के लिए भोजन लेने के लिए जाती है। रास्ते में गाय को एक चीता मिलता है और चीता गाय से ऐसा बोलता है, क्यों रे गाय, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, कृपया करके मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। अरे, आए हुए शिकार को कौन छोड़ता है, आज तो मैंने शिकार कर लिया है, तुम्हें कल के लिए बचा लेता हूँ। फिर चीता गाय को पकड़कर अगले दिन के लिए रख लेता है। उधर सोनू और मोनू जंगल में जाकर देखते हैं तो वहाँ उनकी माँ नहीं थी। तब सोनू बोलता है, अरे मोनू भाई, हमारी माँ कहाँ गई? तुम चिंता मत करो, माँ आ जाएगी। नहीं भाई, हम पहले की तरह अब घर नहीं बैठ सकते। गाय के पैर के निशान देखते देखते वो चीता के पास ही पहुंच जाते हैं और गाय को चीता के कब्जे में देख मोनू चीता से ऐसा बोलता है, चीता अंकल, हमारी माँ को छोड़ दो। क्या माँ? क्या ये गाय तुम्हारी माँ है? चीता अंकल, हमारे बचपन में ही हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। गाय माँ ने हमें पाला है और माँ जैसा प्यार दिया, अब गाय माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कृपया करके हमारी गाय माँ को छोड़ दो। यह दुख भरी बात सुनकर चीते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ, तुम अपनी माँ को ले जाओ और अगर कभी भी तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद से वो सभी एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पागल बाघ और शेर की लड़ाई। इस जंगल में रहते हैं मासूम जानवर। अब इनके ही जंगल में घुस आए थे दो खतरनाक जानवर, शेर और बाघ। उन्होंने जंगल में घुसते ही आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। वह दोनों एक ही दिन में कई शिकार कर लेते थे। उन दोनों ने जंगल के आधे से भी ज्यादा जानवरों का शिकार कर लिया था। जंगल के बाकी जानवर उनसे बहुत डरे हुए थे। तब सभी जानवर इकट्ठे हुए, तब उनमें से एक गाय बोली, सुनो भाइयों, हम सभी जंगल में आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उन दोनों शिकारियों ने आकर हमारा जीना ही मुश्किल कर डाला है। हाँ बहन, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? बस अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें इस जंगल को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल में रहना होगा।
जब तक ये दोनों यहाँ से चले नहीं जाते, तब वह सभी जानवर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए। उधर शेर और बाघ पूरी जंगल में घूम चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई जानवर नहीं मिला। तब बाघ बोला, अरे लगता है कि उन जानवरों को धरती निगल गई है, या फिर वो कहीं छिपकर बैठे हैं। हाँ तुम सही कहते हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा, चलो चलते हैं। तब वो दोनों उन्हें पूरे जंगल ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। वो दोनों अब बहुत भूखे हो गए थे। बाघ तो इतना भूखा हो चला था कि अब उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं रही थी। सुनो बाघ, अब हमें दूसरे जंगल में पहुंचना होगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तब वो दोनों दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिली। उसको देखकर दोनों की जीभ लपेटे लेने लगी थी। तब बाघ शेर से बोला, शेर भाई मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, ऐसा करता हूँ इस लोमड़ी को मैं खा लेता हूँ, तुम कोई और शिकार देख लेना। ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमसे ज्यादा भूख तो मुझे लगी है, इसका शिकार मैं करूँगा। तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैं इस लोमड़ी का शिकार करूँगा। दोनों में बोलते बोलते लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों इतने लड़ते हैं कि एक दूसरे को मार डालते हैं, और लोमड़ी भी अपनी जान बचाकर वहाँ से फुर्र हो जाती है। अब दोनों के मरने की खबर सुनकर वो सभी जानवर फिर से अपने जंगल आ जाते हैं और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। एक जंगल में दो बहुत ताकतवर और खतरनाक शेर घुस आए। वो दोनों ज्यादा होशियार तो नहीं थे, बल्कि हाँ ताकतवर बहुत थे, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उस जंगल का राजा था एक चीता। चीता अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। एक बार ऐसा हुआ कि चीता ये देखने कि जंगल के जानवर क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए निकला। तभी उसे दो शेर दिखाई दिए। उनको देखकर, अरे ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब चीता उनके पास गया। ओए तुम दोनों कौन हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अपनी यह जुबान बंद करो, तुम होते कौन हो पूछने वाले? अब हम इस जंगल पर राज करेंगे और इस जंगल के जानवरों का शिकार करेंगे। यह बात सुनकर चीता को बहुत गुस्सा आ गया और वह उनके साथ लड़ने लगा, लेकिन वो दो थे इसीलिए वह चीता को घायल कर देते हैं। तब चीता अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है और सभी जानवरों को बुलाकर उनसे कहता है, सुनो साथियों, जंगल में दो बड़े खतरनाक शेर घुस आए हैं, वो बहुत खतरनाक है, तुम सब अपनी आंखें खुली रखना। फिर अगले ही दिन वो दोनों शेर एक गाय का शिकार करते हैं। जब ये बात चीता को पता चलती है तो चीता बड़े गुस्से में आकर बोलता है, उनकी इतनी हिम्मत, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, अब हम मिलकर उनका सामना करेंगे, तुम सभी तैयार रहो। फिर चीता कुछ जानवरों को लेकर शेर के पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों शेर तो बहुत ही ताकतवर थे, इसीलिए वो चीते के जानवरों को घायल कर देते हैं। तब ऐसा देख चीता उन्हें वहां से ले आता है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। फिर जब लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलता तो चीता एक तरकीब सोचने लगता है। ओ, मैं आज जगह जगह पर मांस डाल दूंगा और मांस के ऊपर बेहोशी की दवा डाल दूंगा, आज तुम सभी जानवर घरों से बाहर मत निकलना। फिर चीता जगह जगह पर मांस डाल देता है। तब शेर वहां आते हैं और देखते हैं। अरे ये देखो ताजा ताजा मांस, चलो इसे खाते हैं। तब शेर उसे खाते ही बेहोश हो जाते हैं और चीता उनको मार कर दूर ले जाकर फेंक देता है। चीता उनको मार कर फिर से अपनी प्रजा की जान बचा लेता है। और इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है
ताकत काम ना करे तो अकल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अच्छी इंटरेस्टिंग और लर्निंग स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। एक जंगल में दो गाय रहा करती थी। वो दोनों बहुत अच्छी मित्री थी। वो दोनों ही बहुत होशियार थी। उनके पास एक भेड़ भी रहती थी, लेकिन वो इतनी होशियार और बहादुर नहीं थी। एक बार गाय जंगल के बीच खड़ी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए घास खा रही थी। गाय अच्छे से अपना पेट भरकर अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले मोड़ पर एक भूखा और खतरनाक चीता उसका इंतजार कर रहा है। चलते चलते गाय जब अपने घर की ओर मुड़ती है तो उसे वहाँ एक भूखा और खतरनाक चीता दिखाई देता है। चीता गाय को देख भूख से दहाड़ने लगता है। गाय चीता को देख थोड़ी घबरा जाती है। तब गाय बोलती है, मुझे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चीता से बचने की कोई भी तरकीब सोचनी चाहिए। दूर खड़े क्या बोल रही हो, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। तभी गाय के दिमाग में एक तरकीब आती है। चीता महाराज, मैं ये सोच रही हूँ कि आपके बाद कौन जंगल का राजा बनेगा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। यह तुम क्या बोल रही हो, मेरे बाद जंगल का राजा, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, मुझे अभी एक जादुई परी मिली थी। उसने मुझसे कहा था कि आज तुम्हें एक चीता मारकर खा जाएगा, लेकिन वो तुम्हें खाते ही मर जाएगा। यह सुनकर चीता के माथे पर पसीने आ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे एक गाय के चक्कर में अपनी जान नहीं देनी। जाओ जाओ, वो कोई और चीता होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, वो कोई और चीता है। हाँ महाराज, मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो कोई और ही हो, आप वो चीता ना हो। इतना बोलकर गाय अपनी गर्दन नीचे झुकाकर मासूम सा चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है और सब कुछ जाकर उस भेड़ को बताती है। गाय की बात सुनकर भेड़ में जान आ जाती है। अब मैं उस ओर बिना घबराए जाऊंगी, और अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं भी उसे ऐसे ही पागल बना दूंगी। इतना बोलकर भेड़ बिना बात के ही चीता की ओर अपनी बहादुरी दिखाने चल पड़ी। चीता पहले से ही इतना भूखा था कि उसने बिना कुछ कहे सुने उस भेड़ को अपना शिकार बना लिया और मजे मजे से खाने लगा। इससे हमें पता चलता है कि कभी भी बिना बात के किसी खतरे की जगह नहीं जाना चाहिए। समझे?